तो देख ही लिया होगा कि क्या लिखा है, DPI डॉट्स पर इंचेस, जिसके पीछे तुम सब पागल हुए हो। सोचते हो कि मैं रुकू FF ब्रोकन गेमिंग जैसे वन टैप मार लूँ। भाई ये बात कान खोल के सुन लो, ये रुकू FF और ब्रोकन गेमिंग जैसे हेडशॉट मार के ना तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक। और जब तुम रुकू FF या ब्रोकन गेमिंग जैसे अगर तुम मारोगे भी ना हेडशॉट, तो भाई DPI मेन थी, DPI मैक्स। तुम इतने वीडियोस देखते हो, सब थंबनेल लगा देते हैं 1000 DPI 5000 DPI, भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, कतई अपना ओरिजिनल गेम प्ले इम्प्रूव करो। वन टैप से क्या होगा भाई, ऐसे कितने बंदे हैं जो वन टैप नहीं मारते पर पूरी स्क्वाड लपेट लेते हैं, और जो तुमको वन टैप दिखा दिखा के अपना फॉलोअर सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं ना, जाके सबको अनसब्सक्राइब और डिसलाइक करो जो भी बंदा वन टैप मारता है। सब पता है क्या करते हैं, जो तुमको मोबाइल का भी हैंड काम दिखाते हैं, देखा है कभी तुम लोगों ने कि उन्होंने कभी मोबाइल के हैंड काम में आईफोन को छोड़ के किसी चीज़ का हैंड काम दिखाया हो? क्योंकि आईफोन की सेंसिटिविटी सभी फ़ोनों से बहुत ज़्यादा होती है। और एक और बात सुन लो, जो ये सब दिखाते हैं ना भाई, चाहे तो हर बंदा DPI यूज़ करके फ़ोन में तुमको अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकता है, बट भाई मैं DPI यूज़ नहीं करता हूँ। बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरे फालतू में मतलब अजीबोगरीब तरीके से या फिर कोई गलत वे से मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ। जो ओरिजिनल गेम प्ले उस पर खेलो भाई, इंजॉय करो गेम को। अब कुछ बंदे हैं मैक्रो सीखेंगे जाके, ये सब सीखेंगे, तो भाई कतई इन चीज़ों को छोड़ दो तुम, ठीक। और दूसरी बात, और ये जैसे तुम देखते हो ये ब्रोकन गेमिंग या फिर हमको हिरिक पहुंचना, वन टैप कैसे मारे, अबे भाई जाके जो बंदे ना मेहनत करते हैं उनकी आइडिया सर्च मारो, उनके जाके वीडियोस देखो। अब क्या बताएं हम, जब सब लोग ऐसा करते हैं तो कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं पाते, हर बंदे को बस एक ही शौक चढ़ा है, काश हम वन टैप मार ले, काश हम कुछ और मार ले। तो भाई DPI यूज़ करोगे ना तो तुम्हारा फ़ोन एकदम ख़राब हो जाएगा। जो तुम्हारा डिस्प्ले 10 साल की वारंटी होती है ना, तो पता चला 2 ही दिन में उड़ गया। तो भाई DPI कतई ना यूज़ करो। अगर तुम 1-2 GB के रैम के फ़ोन में खेलते हो तो चलो भाई DPI बात समझ में आती है, बट भाई जो तुम बंदे हो तुम खेलते हो 2 GB 3 GB 4 GB, ज़्यादातर जो फ्री फायर खेलते हैं ना सब 15 साल से कम के मेरे जैसे बच्चे होते हैं, ठीक भाई। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरी सलाह है कि DPI मैक्रो ये सब तो कतई यूज़ ना करो, गेम पे तो पैसा कभी ना उड़ाओ। तुमने मेरा पुराना वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मैंने अपना कलेक्शन डाला था विदाउट टॉपअप का, तुमने देखा होगा कितना अच्छा है। और जो गिव अवे करते हैं ना इनमें से सारे फेक होते हैं, जो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है ना सब करते हैं, जाके तुम लोग जिनकी तो 00 लाइव स्ट्रीम पे आते थे, जिनके मतलब स्ट्रीमिंग पे 0 व्यूज़ होते थे ना, उनके जब वो गिव अवे करते थे तो पहले तुमको फिस्ट के नाम पे काटा, फिर ड्रैगन AK के नाम पे काटा, कभी डायमंड्स के नाम पे काटा। तो भाई ये गिव अवे तो चलता रहेगा बट तुम लोग अपना कटवाते भी रहोगे, तो इसलिए भाई ये सब चीज़ें तो यूज़ मत करना तुम। जो मेरी सलाह है भाई, अगर तुम DPI यूज़ करते हो गिव अवे के चक्कर में पड़ते हो भाई, तो वो तो एकदम कतई बेकार है। अपना गेम प्ले इम्प्रूव करो, ग्लोबल पे जाओ। ज़रूरी नहीं भाई हम लोग स्कूल कॉलेज में, पहले भाई पढ़ाई देखो फिर गेम देखो ना। तो सारे बंदे आधे से ज़्यादा हमको तो यहाँ जाना, हमको तो वहाँ जाना, मतलब इतनी गुस्सा आती है भाई। तुम्हें करना क्या है, मतलब क्या पाओगे तुम ये सब करके? DPI वन टैप मतलब सब बंदे, मतलब मोस्ट बंदे तुम देखोगे सबको DPI चाहिए भाई। काश मैं उसकी तरह वन टैप मार लेता है भाई, अच्छे हेडशॉट मारता है ये वो भाई क्या है इसका, इतने अच्छे हेडशॉट मार के तुम्हारे, जब फोन ही नहीं रहेगा तुम्हारा, जब ना बास रहेगा ना बजेगी बांसुरी भाई। DPI मैक्रो इन सब के चक्करों वाले वीडियो छोड़ दो, जो अपना नॉर्मल शुद्ध सीधा साधा ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए अपना गेम प्ले दिखाते हैं ना उनका सपोर्ट करो भाई, वो लोग मेहनत करते हैं। और ये जो मॉन्टेज वाले हैं ना, चाहे तो कोई भी बंदा मॉन्टेज बना के डाल दे, तुम लोग कमेंट करना मैं अगले वीडियो में अपना वन टैप का मॉन्टेज डालूंगा। दिन भर बैठ गए 6-7 घंटे बस गेम खेलते रहे, अच्छी अच्छी क्लिप्स निकाल ली। अब बेटा तुमको ना स्काईलॉर्ड ने पहले ही बता चुका है, उसका जाके वीडियो देखा हो तो देख लो, ठीक। चलो पहले ही बता दिया कि वो लोग आप मारते हैं, ठीक। और भाई अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ स्काईलॉर्ड को भी जाके आप सब्सक्राइब करना, बिकॉज आई एम हिज बिग फैन। तो आज का वीडियो इसमें ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए बाय। हाँ और एक लास्ट थिंग, ये तो तुम भूलना मत भाई, तुम
तुम्हारे अगर तुम मुझे कमेंट कर दो ना तो भाई मैं भी 6-7 घंटे वो जो मॉन्टेज बनाते हैं ना क्लिप बना बना के अपने दोस्तों से कहते हैं तुम यहाँ से आओ वहाँ से आओ हैं, और जो DPI मैक्रो सब यूज़ करके वन टैप दिखाते हैं तुमको, भाई कतई छोड़ दो उन बंदों को, आके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तुम लोग जो भी कमेंट करोगे उस टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, ओके, बाय बाय।